जाको राखे शाइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बेरी होए। संत कबीर का ये दोहा पढ़ा तो मैंने तीसरी क्लास में था, लेकिन मेरी समझ में आज 25,000 साल बाद आया। बात है आज से लगभग 200 साल पहले की, जब वकांडा के जोनीपुर से खलीफा नगर के बीच बिछी रेलवे लाइन का स्पीड ट्रायल चल रहा था। सुबह 10 बजे लॉबी से ड्यूटी के लिए मुझे कॉल आता है, जिसमें लॉबी सीसीआर ने मुझे बताया कि खलीफा नगर की डबल लाइन का काम पूरा हो चुका है और स्पीड ट्रायल के लिए वकांडा सरकार ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी मैं के रूप में तुम्हें चुना है, इसलिए मस्त नहा धोकर सुबह 9:30 बजे तक लॉबी आ जाओ। शुद्ध ऊंट के घी के बने 2 पराठे और शुतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट टिफिन में पैक कर मैं पहुंच जाता हूं लॉबी की ओर साइन ऑन करने के लिए। ठीक 10 बजे हमारा WDG4 गर्दा उड़ाते हुए खलीफा नगर की ओर रवाना हो जाता है। इंस्पेक्शन कार में बैठे अधिकारियों के कहने पर लोको पायलट स्पीड को बढ़ाए जा रहा था, जबकि मैं कोने में खड़ा खड़ा चिल्ला रहा था, बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर वो तम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। खलीफा नगर से जस्ट पहले आने वाले गेट पर आम तौर पर 2 कार और 4 मोटरसाइकिल वाले मन ही मन हमें गंदी गंदी गालियां देते हुए रोज दिखाई देते हैं, लेकिन आज मामला थोड़ा अलग था। लेवल क्रॉसिंग गेट से लगभग 500 मीटर पहले ट्रैक के किनारे खड़ी 35 वर्षीय महिला मुझे दिखाई देती है। अपनी आंखों में लगी 64 मेगापिक्सल के कैमरे और दिमाग में लगे स्नैपड्रैग प्रोसेसर ने मुझे तुरंत बता दिया था कि आज कुछ तूफानी होने वाला है। मैं और मेरा लोको पायलट लगातार महिला को देखकर सीटी बजा, मेरा मतलब इंजन की सीटी बजा रहे थे, लेकिन महिला ट्रैक से हटने का नाम नहीं ले रही थी। सेकंड के 12वें हिस्से में मैंने और मेरे लोको पायलट ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इमरजेंसी ब्रेक उठाने की परमिशन दे दी थी, लेकिन न चाहते हुए भी लोको के आगे वाले 4 चक्के महिला पर चढ़ जाते हैं। बिखरे हुए अंजर पंजर को समेटने के लिए मैं भारी मन से लोको से नीचे उतरता हूँ, लेकिन लोको से नीचे उतरने पर मुझे पता चला कि महिला का अभी ऊपर से OTP नहीं आया है, मेरा मतलब महिला अभी भी जिंदा है और चिल्ला रही है। बाजू वाली लाइन पर काम कर रहे ट्रैकमैन और गेटमैन की सहायता से हमने महिला को अंडर ट्रक से सही सलामत बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे।